हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज आपके सामने खड़ी है भाई किया की कैरेंस गाड़ी, जो कि नए लुक में आ चुकी है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए मैट फिनिश मिल गई है गाड़ी में। एंड मैट फिनिश के साथ भाई यहाँ पर लाइटनिंग में देखिए ग्लॉस फिनिश जो मिलती है भाई, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है देखने में। एंड गाड़ी में देखेंगे भाई क्या कुछ नया मिला गया है इस बार देखने को, एंड क्या प्राइसिंग रहने वाला है गाड़ी का, क्या नए फीचर कंपनी ने ऑफर करे गए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, देखते हैं गाड़ी में क्या क्या नया मिलता है। तो यहाँ पर देखिए भाई कनेक्टिंग, यहाँ पर हमारे को ग्रिल मिल जाती है गाड़ी में, एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाता है, एंड फुल्ली LED सेटअप मिलता है भाई गाड़ी में। एंड यहाँ देखिए भाई डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं गाड़ी में, जो कि भाई पहले जैसे आते ही थे। तो भाई यहाँ पर हमारे को मिल जाता है 16 इंच का अलॉय व्हील का सिस्टम टायर के साथ, जो कि भाई फ्रंट में भी अगर मैं सेफ्टी में बात करी जाऊँ तो फ्रंट में भी हमारे को डिस्क पैड मिलते हैं गाड़ी में, एंड रियर में भी डिस्क का सेटअप मिल जाता है गाड़ी में। एंड गाड़ी की अगर मैं मॉडल की बात करी जाऊँ तो भाई गाड़ी में नया मॉडल लॉन्च करा गया है एक्स लाइन मॉडल। तो रियर से देखिए यहाँ पर भाई एक्स लाइन की बैजिंग मिल जाती है लिखा हुआ, एंड मैट फिनिश में आती है भाई गाड़ी, न्यू कलर कंपनी ने लॉन्च करा गया है। कनेक्टिंग इसमें भाई टेल लाइट मिल जाती है गाड़ी में किया की साइड से, एंड यहाँ पर डिफॉगर वाइपर वॉशर तो मिलता ही है कंपनी की साइड से आप लोगों को यहाँ पर। एंड देखिए भाई कितने ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में, बिल्कुल ही ऑसम लुक लग रहा है गाड़ी का देखने में। एंड भाई डोर की बात करी जाऊँ तो बहुत वाइड डोर है भाई गाड़ी के, बीच में बैठ के भाई पूरा बड़ा बड़ा सा एरिया इसमें नज़र आता है गाड़ी में बैठ के। वन टच इसमें टम्बल डाउन सीट मिलती है। अभी भाई कंपनी में लोगों ने भाई बैटरी डाउन करके खड़ी कर रखी है, क्योंकि भाई लोग आते हैं टेस्टिंग के लिए बैटरी डाउन करके चले जाते हैं गाड़ी की। तो भाई यहाँ पर देखिए टच स्क्रीन का सिस्टम मिलता है भाई, पीछे भी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है भाई, पीछे भी हमारे को इंटरटेनमेंट फुल मिलेगा गाड़ी में। एंड यहाँ पार्सल ट्रे मिल जाती है वो कप होल्डर। एंड यहाँ पर बात करी जाऊँ तो भाई यहाँ पर मिलते हैं रियर AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं भाई। गाड़ी में चार्जिंग स्पेस इतना दे रखा है भाई, हर इंडिविजुअल के लिए चार्जिंग स्पेस अलग से मिलेगा Type-C पावर सॉकेट के साथ। एयर प्यूरीफायर दे रखा है भाई ड्राइवर सीट में हमारे को देखने के लिए। एंड यहाँ से देखिए भाई रियर लुक गाड़ी का कितना ही शानदार लगता है। डैशबोर्ड भाई पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है, एंड छत देखिए ब्लैक छत मिलती है गाड़ी में। एंड यहाँ देखिए भाई मेन फीचर सनरूफ, सनरूफ तो भाई टॉप मॉडल में आता ही था किया है भाई, और यहाँ पर भाई नई ब्लैक रूफ मिल गई है, ब्लैक रूफ भी भाई मैट ब्लैक फिनिश में रूफ मिली है यहाँ पर हमें। एंड AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, एंड रीडिंग लैम्प मिल जाता है गाड़ी में। एंड सीटिंग की बात करी जाऊँ तो भाई सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी की। एंड भाई ये मॉडल जो आता है 6 सीटर में ही अवेलेबल होता है गाड़ी का। एंड भाई सीट कवर वगैरह बात करी जाए बहुत अच्छे हैं कंपनी फिटेड गाड़ी में, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है गाड़ी में। एंड यहाँ पर भी भाई दो बंदे बैठ सकते हैं गाड़ी में, 6 सीटर का ऑप्शन है गाड़ी में। तो चलिए अब चेकआउट करते हैं भाई रियर स्पेस कैसा रहने वाला है गाड़ी का, एंड क्या क्या रियर में भाई हमारे को देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो रियर अगर स्पेस की मैं बात करी जाऊँ तो लेग रूम भाई थोड़ा सा कम तो आपको पता ही सब गाड़ियों में मिलता ही है। और भाई यहाँ से पीछे देखिए भाई एकदम लग रहा है भाई मिनी बस, कितनी ही लंबी गाड़ी देखने को मिल रही है भाई। स्टार्टिंग होके भाई गाड़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही है, एंड तक देखिए कितनी लंबी लग रही है गाड़ी। एंड यहाँ पर भाई कप होल्डर मिल जाते हैं गाड़ी में। एंड यहाँ पर भाई हमारे को रिक्लाइनर सीट के यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक ठाक है भाई। डी रूम यहाँ पर थोड़ा कम तो मिलता ही है, ठीक ठाक है, बट हेड रूम की अगर बात करें जाए तो कम नहीं है हेड रूम, ठीक ठाक हेड रूम मिल जाता है। AC के वेंट मिल जाते हैं गाड़ी में। Type-C चार्जिंग सॉकेट भाई यहाँ पर रियर में भी मिल जाएगा देखने को। एंड भाई थर्ड रो यहाँ पर रिक्लाइन भी हो जाती है, अभी देखिए मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल कितना अच्छा मिल जाता है गाड़ी में। तो जर्नी आपकी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है गाड़ी में। एंड बूट स्पेस मिल जाता है हमारे को करीबन 410 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी में। एंड भाई यहाँ से देखिए कितना अच्छा लुक मिलता है गाड़ी का देखने को, सॉरी 210 लीटर का मिलता है, 410 लीटर बोल दिया था मैंने, 410 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड यहाँ से देखिए भाई चलिए अब बात करते हैं फ्रंट रो की, फ्रंट रो में ड्राइवर साइड में गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है। बोस का भी यहाँ पर स्टेयरिंग सेटअप मिल जाता है गाड़ी में, सॉरी म्यूज़िक सिस्टम बोस का मिल जाता है गाड़ी में। 3 भाई यहाँ पर बॉटल होल्डर दे रखे हैं, वाह भाई कमाल की बात है। एंड अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर देखिए छोटी सी स्टोरेज पे शायद सिगरेट रखने के लिए दे रखी है, यहाँ पर सिगरेट की डिब्बी तो आराम से आ ही जाएगी इसमें, क्या बात है भाई। यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग इसमें AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं भाई, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और पुश स्टार्ट बटन मिलता है गाड़ी में। एंड ये देखिए भाई स्टेयरिंग रैप काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ, और ये देखिए भाई प्लस माइनस, तो भाई गियर शिफ्टिंग अब बहुत ईजी है स्पोर्ट्स मोड के साथ, यहाँ से प्लस एंड माइनस भी कर सकते हैं आप लोग गियर शिफ्ट आराम से।
एंड ये देखिए भाई पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ कितना ही अच्छा लुक मिल जाता है गाड़ी का। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है गाड़ी में एंड वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन मिल जाते हैं गाड़ी में। एंड यहाँ पे बात करी जाए तो भाई DCD ऑटोमेटिक सिस्टम मिल जाता है स्पोर्ट्स मोड के साथ आप लोगों को। हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है गाड़ी में। एंड यहाँ पर देखिए भाई कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है गाड़ी में। एंड बात करी जाऊँ तो भाई एम्बियंट लाइट भी मिलती हैं गाड़ी में। एंड यहाँ मिल जाता है हमारे को कप होल्डर मिल जाता है गाड़ी में। एंड ये भी भाई शायद सीट को आगे पीछे करने का बहुत सीट का भाई ऑप्शन मिल जाता है गाड़ी में। आई थिंक अभी बैटरी थोड़ी गाड़ी में नहीं है तो इसलिए ये चीज़ हमारे को फंक्शन दिख नहीं पा रहा है। एंड यहाँ कुछ किया की मिल जाती है गाड़ी में। एंड यहाँ मैनुअली हैंड ब्रेक मिल जाता है गाड़ी में। एंड अगर बात करूँ तो यहाँ पर भाई दो कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप देखिए स्टोरेज स्पेस बन चुका है गाड़ी में। ये ट्रे भी हमारे को एक्स्ट्रा मिलती है गाड़ी में यहाँ से। एंड गाड़ी में एक और अच्छा बहुत फीचर मिल जाता है भाई, जो कि आप ये देखिए भाई छोटे मोटे आप कप भी पानी ठंडा कर सकते हैं यहाँ पर गाड़ी में रख के। एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट तो मिल ही जाता है गाड़ी में। स्टेयरिंग एंड फिट एंड फिनिश तो भाई किया शुरू से ही एक्सपर्ट है फिट एंड फिनिश में। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के मॉडल एंड प्राइसिंग के बारे में। तो गाड़ी भाई रहने वाली है, स्टार्टिंग प्राइस में बात कर जाऊँ तो भाई 19,22,000 रुपये भाई इसका एक्स शोरूम प्राइस होता है, जो कि भाई 21 से 22 लाख रुपये ऑन रोड पड़ जाती है आप। तो भाई आप लोग भी शोरूम जाकर एक बार किया कैरेंस को देखिए, जो भी भाई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं।